हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे और क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? विवेक। हाँ जी, विवेक त्रिवेदी। विवेक त्रिवेदी, इधर चलना है, पीछे आपके बस है, लेफ्ट आ जाओ, हल्का सा साइड में रखो, ब्रेक पे पैर लियो, स्टीयरिंग गलत पकड़ लियो। डे कौन सा है ड्राइविंग सीखने का? आज डे कौन सा है? अरे प्रभु, डे मतलब आप गाड़ी सीखते हुए कितने दिन हो गए आज आपको? एक दिन, पहला दिन। ओके ठीक है, तो दोस्तों आज इनका है डे फर्स्ट, और फर्स्ट डे के हिसाब से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, और मैं इनको लेके आया हूँ महानगर की तरफ, और पिछले ये 30 से 40 मिनट से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको कौन सी गाड़ी चलानी है? मैं? हाँ, एक्सयूवी चलानी है। ओके चलो, तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड गियर में कार चलाने के लिए ना हमें थोड़ा सा क्लच और ब्रेक को मैच करना होता है, क्योंकि वहां पे एक्सेलेटर की जरूरत नहीं होती। दाएं बाएं देखो, पहले राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर स्ट्रेट निकालना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लेफ्ट सुबह का जो ट्रैफिक होता है ना, एकदम खाली होता है, तो वहां पे लोग सभी को जल्दी होती है, तो भगाने के चक्कर में रहते हैं सभी, समझ रहे हो? जाने दो धीरे धीरे। हाँ देखो, अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा के रखना, लेफ्ट रखोगे तो क्या होगा कि सेफ रहेगी, पीछे से जो भी व्यक्ति आएगा, जैसे अभी देखो ऑटो निकला तो उसने आपको बिना डिस्टर्ब किए ना आपको सिग्नल दिया ना हॉर्न दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने जगह राइट में छोड़ रखी थी। कुछ नए स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यू बिगिनर, उनको आइडिया नहीं होता, वो सोचते बस चलाने से मतलब है, गाड़ी कहीं भी चले, तो ऐसा नहीं है। जितना आप लेफ्ट दबा के रखेंगे ना उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, पीछे से आने जाने वाले लोगों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने लेफ्ट वाले ORBM को, ये जो लेफ्ट वाला साइड मिरर है ना, इसको बार बार रिकॉल करते रहना, इसको बार बार रिकॉल करते रहना, ताकि ये पता चलता रहे कि लेफ्ट वाले स्पेस में क्या चल रहा है। ठीक है, जाने दो धीरे धीरे। अभी कौन से गियर में चल रहे हो? दूसरे में, सेकंड गियर में। सेकंड गियर की जो मिनिमम स्पीड होती है वो 20 होती, मैक्सिमम होती वो 30, तो आप बिना एक्सीलेटर फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी को घंटों चला सकते हैं बिना एक्सीलेटर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर आप घंटों गाड़ी चला सकते हैं। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, सामने देखो चौराहा आ रहा है, ठीक है, तो अभी से अलर्ट हो जाना है, अभी से अलर्ट हो जाना है। हाँ, सीधा जाना है एकदम। लेफ्ट आओ हल्का। हाँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट, सीधा जाना है सीधा। ये देखो फिर कर दिया ना कान, सीधी करो। हाँ, ये जो एक्सीलेटर वाला खेल है ना, यही एक्सीडेंट कराता है। जो भी दो तीन गलतियां हुई है, बिना बात का एक्सीलेटर दब गया है, तो जब हमें पता है कि ये पहले और दूसरे गियर में बिना एक्सीलेटर चल रही, तो क्या हमारा पैर एक्सीलेटर पे रहना चाहिए? नहीं, तो फिर क्यों रहता है? जब पता है नहीं रहना चाहिए, हल्का राइट दबाओ, वरना जानवर में टकराएगी, और राइट दबाओ। हाँ बस, लेफ्ट आओ हल्का, बस हाँ सीधा जाना है, सीधी करो। जब हमें पता है कि एक्सीलेटर से खतरा है, तो हमारा पैर ही एक्सीलेटर पे, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कोई चौराहा आ रहा है, या कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, या कोई भीड़ वाला एरिया आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ स्पीड, जाओ रेस करो हल्का सा, और लेफ्ट आ जाओ। हाँ थोड़ा सा, अभी इन सब जगह हल्का सा एक्सीलेटर लिया जा सकता है, हल्का सा एक्सीलेटर लिया जा सकता है, लेकिन
अगर टर्निंग पॉइंट है या कोई स्पीड ब्रेकर है या कोई जहाँ पे ट्रैफिक है तो वहाँ पे फिर इसको लोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। जाओ हल्का सा स्पीड बढ़ाओ वहाँ पे, बिल्कुल छाड़ दो। हाँ जाने दो धीरे धीरे। हाँ हॉर्न दो, हल्का राइट रखो, राइट चलो, इसको हॉर्न देना जरूरी ताकि इसको ये कंफर्म हो जाए। राइट रखो, हाँ स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ, रेस करो। हाँ अपना लेफ्ट और राइट वाला शीशा चेक करते रहा करो, जो साइड मिरर है इसको देखते रहा करो हर एक एक सेकंड में, तो ये पता चलता रहेगा कि मेरे लेफ्ट में कितनी जगह है, राइट में कितनी जगह है, मेरी कार के लेफ्ट में कौन सी गाड़ी चल रही है, राइट में कौन सी गाड़ी चल रही है, समझ रहे हो? उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अगर नहीं ध्यान दोगे तो काफी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि सामने का तो हमें नजर आ रहा है लेकिन हमें साइडों का नजर नहीं आ रहा ना, तो साइडों के लिए लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट वाला ORBM है, राइट साइड के लिए राइट वाला साइड मिरर, बैक साइड के लिए ये लुकिंग ग्लास है, लेकिन इसको सेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ध्यान रखना। अभी हल्की सी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो मान लो खाली है, अभी रोड खाली है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अगर जो ये गलतियां दो तीन बार आज हुई है बाय मिस्टेक, एक्सीलेटर दबा है सीधा, हाँ सीधा, अगर ये ट्रैफिक में दबेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो स्पीड बढ़ाओ, हाँ सीधा जाना, अपने राइट साइड देखते रहना, ऑटो निकल रहा है, चलो छोड़ो। हाँ अब देखो अचानक रिक्शे वाले ने घुमा दिया, तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहना होता है, अगर वो नहीं भी कुछ एक्टिविटी कर रहे, नहीं सिग्नल दे रहे, फिर भी अलर्ट हो जाओ, समझ लो कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। बढ़ाओ धीरे से, हाँ तो जा ही रहे हैं, कोई अचानक नुकसान, अचानक आ सकता है या कुछ भी है, दौड़ के आ सकता है या बिना देखे कुछ लोग कूद जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। स्पीड हल्का सा, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ चल, स्टीयरिंग को बहुत हल्के हाथों से पकड़ते हैं, इसको जितना टाइट पकड़ोगे ना उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत लाइटली, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है ना, पावर स्टीयरिंग बहुत हल्के हाथों से राउंड होता है। लेफ्ट आओ हल्का, हाँ बस राइट रखो, जाने दो, मैजिक और कार में बहुत फर्क होता है भाई, मैजिक 40-50 से ऊपर नहीं भागता है, डीजल गाड़ी होती है ठीक है, लोडेड गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है, ये पावर देख रहे हो कैसे एक्सीलेटर को छूते गाड़ी कैसे हवा में बात कर रही है। जब जहाँ पे खाली दिखा करे ना वहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर ले जाया करो, ताकि फिर तुम्हें मौका मिले कि ब्रेक पे पैर लाने के लिए, जब एक्सीलेटर लोगे हल्का सा तो लगेगा स्पीड ज्यादा होगी, फिर ब्रेक पे पैर ले आओ, फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ, फिर ब्रेक पे लाओ, तो इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बढ़ाओ स्पीड, जाओ रेस लो हल्का, हाँ लेफ्ट आओ, राइट रखो, राइट बढ़ाओ स्पीड, हाँ जाओ लेफ्ट आओ, चलो रेस करो, जाओ रेस करो, हाँ चलने दो, हाँ जाओ धीरे धीरे, जाओ धीरे धीरे रेस करो, हाँ चलो
स्पीड मेंटेन करूं जाऊं। हाँ अब देखो चौराहा आ रहा है सामने, ठीक है, यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है, मुझे सीधा चलना, सीधा चलना है, सीधा लेके फिर हल्का राइट लेके फिर लेफ्ट, वही पिकनिक स्पॉट वाले रास्ते पे हल्की सी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है और ट्रैफिक बहुत तेजी से आ रहा है दोनों साइड से ना। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, जाओ हल्का, रेस लो, रेस लो, एक्सेलेटर लो थोड़ा सा, चलो 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 चलो, हाँ राइट का सिग्नल दो, चलो जाओ धीरे धीरे, खिसकाते रहो खिसका, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ अब धीरे धीरे जाने दो, अभी ब्रेक पे पैर रख लेना, उसको हॉर्न दो ऑटो वाले को, बस अभी धीरे से लेफ्ट टर्न करना है यहाँ पे, हाँ क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहना दोनों पे ताकि गलती से कहीं एक्सेलेटर ना दब जाए, ठीक है, सीधी रखो सीधी, स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे, अब यहाँ पे ढलान है तो राइट वाला पैर ब्रेक पे रहना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे, और लेफ्ट आओ आराम से, लेफ्ट आओ, हाँ लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।